जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, हमने यहां पर संख्या चक्र बनाए हैं और इस संख्या चक्र में सभी मान दिखाए हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, लाख तक के वैल्यूज हम यहां पर दिखाएंगे। मेरे पास ये एक कटोरी में थोड़ी सी ये गीटियां हैं, इन गीटियों की मदद से आज हम संख्या चक्र, ये एक गेम है जो खेलेंगे। इस कटोरी में से मैं कुछ गीटियां अपने हाथ में लूंगा और इन गीटियों को हम यहां पर फेंक देंगे। अब देखना यह है कि कौन से संख्या चक्र में कितनी गीटियां पड़ी। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, इकाई स्थान वाले संख्या चक्र में एक, दो, तीन गीटियां पड़ी हैं। तो हम यहां पर इकाई स्थान पर लिखेंगे तीन। इसी प्रकार से दहाई स्थान पर एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच गीटियां हैं। तो यहां हम दहाई स्थान पर लिखेंगे पांच। सैकड़ा स्थान पर, ये गिटी क्योंकि ज्यादा दहाई वाली तरफ है, इसे हम दहाई में गिनेंगे। सैकड़ा वाले संख्या चक्र में एक भी गिटी नहीं पड़ी है, इसलिए सैकड़ा स्थान पर आ जाएगा शून्य। उसके बाद हजार वाले संख्या चक्र में सिर्फ एक गिटी है, तो हजार वाले स्थान पर आ जाएगा एक। इसी प्रकार से दस हजार वाले संख्या चक्र में भी एक ही गीटी है, इसलिए दस हजार वाले खाने में भी आ जाएगा एक। और जैसा कि यहां हम देख सकते हैं कि लाख वाले संख्या चक्र में एक भी गीटी नहीं है, तो यहां हम लाख वाले स्थान पर शून्य लिख सकते हैं। और क्योंकि यह सबसे बाएं स्थान पर है, तो इसे ना भी लिखेंगे तो चलेगा। इस प्रकार से हमने ये गीटियां फेंक कर जो संख्या बनाई वो है 11,053। इसी प्रकार से विद्यार्थी बार बार गीटियों का प्रयोग करके, गीटियों की मदद से खेल खेल में संख्याओं को निरूपित करना सीखेगा, संख्याओं के मान सीखेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इन स्थानों पर संख्याओं को कैसे रखा जा सकता है वो सीखेगा। तो खेल खेल में संख्या चक्र बनाकर, संख्या चक्र पर गीटियां गिराकर बच्चा संख्याओं के बारे में सीख सकता है।